बस अड्डा हमीरपुर के सामने बने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दुकानों का किराया न देने पर 28 दुकानदारों के खिलाफ अब कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। एसडीएम कोर्ट ने किराया न देने के मामले की पेशी 26 अक्टूबर 2024 की तय की है। प्रशासन इनसे किराए की राशि वसूलने के लिए कानूनी प्रक्रिया का सहारा ले रहा है। यदि ये दुकानदार किराए की राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दुकानदारों के पास करीब 63 लाख की राशि फंसी हुई है। वहीं जिला प्रशासन की माने तो सभी डिफॉल्टर व्यापारियों से किराए की रिकवरी की जाएगी। किराए का भुगतान न करने वाले व्यापारियों की दुकानों को सील किया जाएगा और नए लोगों को दुकानें आवंटित की जाएंगी। में हमने 28 लोगों के विरुद्ध केस इंस्टीट्यूट कर लिए हैं और उनको नोटिस भी किए जा रहे हैं। उनकी इस कोर्ट में, मेरे कोर्ट में ये केस लगे हैं और 26/10 को शायद उनके पेशी है अगली। तो इनको जो है वो या तो वो रेंट देंगे या तो इनको एविक्शन किया जाएगा। जो रेंट नहीं देगा उसको एविक्ट कर दिया जाएगा और उसके LR के माध्यम से उसकी रिकवरी की जाएगी। और इसके अतिरिक्त जो कुछ दुकानें खाली पड़ी हैं उनको भी हम ऑक्शंस कर रहे हैं ताकि लोगों को जो जरूरतमंद हैं, जो चाहते हैं कि दुकानें उनको अलॉट की जाए, उनको अलॉट की जा सके, अपना वो कारोबार कर सकते हैं। तथा क्योंकि दुकानें खाली पड़ी हैं तो उसे अगर वो लोग ले लेते हैं तो उससे सरकार को रेवेन्यू भी जनरेट होगा। लगभग कितना रिकवरी की बात की जाए? लगभग 63 लाख रुपए है जो रिकवरी की जानी बाकी है, जो रिकॉर्ड के अनुसार है। तो उनसे अभी केस के माध्यम से अगर वो रिकवरी दे देंगे, हो सकता है उनको प्रीमियम में, एक दो प्रीमियम में दे दें या लमसम में दे दें। इसी के माध्यम से उनको PPH के माध्यम से उनको उनके विरुद्ध केस दर्ज किए गए हैं और उनसे रिकवरी की जाएगी। दुकानें थी 5, तो उनको कहा गया है कि खाली कर दें, हैंड ओवर कर दें। 5 दुकानें जो है वो शायद उनके माध्यम से अलॉट होगी, उसका किराया उन्हीं को मिलेगा। पिछली मीटिंग में जो जिलाधीश महोदय की अध्यक्षता में हुई थी उसमें ये भी डिसीजन हुआ था कि टोटल किराया जो हम इन दुकानों से प्राप्त करते हैं उसका 10% स्पोर्ट्स विभाग को देंगे ताकि जो भी जिला में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं उनको नियमित रूप से चलाया जा सके। क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं वो नशे का शिकार हैं, इसलिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी चलना बहुत जरूरी है। ये जो 10% है टोटल जो किराया होगा उसमें से उनको दिया जाएगा, ये ऐसा डिसीजन हुआ। बता दें कि हमीरपुर जिला प्रशासन ने बस स्टैंड के सामने बने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दुकानों का निर्माण कर उन्हें व्यापारियों को किराए पर अलॉट किया है। हालांकि सभी दुकानें अलॉट नहीं हुई हैं, लेकिन जो अलॉट हुई हैं उनमें व्यवसाय कर रहे अधिकांश व्यापारी लंबे समय से किराया नहीं दे रहे हैं। इसके चलते किराए की राशि 63 लाख रुपए के करीब पहुंच चुकी है। नोटिस के बावजूद किराए की राशि का भुगतान न करने पर प्रशासन ने 28 व्यापारियों के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करवाया है। व्यापारियों पर दर्ज इस केस की सुनवाई 26 अक्टूबर 2024 को SDM कोर्ट में तय की गई है। पंजाब केसरी TV के लिए हमीरपुर से गौरी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल